अगली खबर इंदौर से आ रही है। अगर आप भी आई बस या सिटी बस में सफर कर रहे हैं तो सावधान रहें, कहीं आपके साथ ऐसी वारदात ना हो जाए जैसी भवरकुआं थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ हुई। दिल्ली महाराष्ट्र की महिला चोर गैंग ने छात्रा के साथ वारदात को अंजाम दिया। गनीमत ये रही कि उनके भागने के पहले ही आई बस के स्टाफ की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। इन चोरनियों में से एक चोरनी के पुराने अपराध की जानकारी भी पुलिस को मिली है। आनंद नगर चितावद की रहने वाली छवि शर्मा 28 तारीख को नवलखा से आई बस से माता गुजरी कॉलेज जाने के लिए बैठी। आई बस में इस दौरान उसके पास आकर तीन महिलाएं भी बैठ गईं। आई बस में सफर करते हुए छात्रा को पता ही नहीं चला कि इन तीनों चोरनियों ने उसके बड़े हैंड बैग में उसका पर्स कब निकाल लिया। अब वह बस स्टॉप पर उतरी तो इसका पता चला। भवरकुआ टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया कि जब छात्रा आई बस से उतरी तो बस के स्टाफ की नजर उसके बैग पर पड़ी जो खुला हुआ था। वे तुरंत हरकत में आए और उन्होंने छात्रा को रोका और बस में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिसमें तीनों महिलाएं छात्रा के हैंडबैग से पर्स निकालते हुए दिखी। इसके बाद तुरंत तीनों महिलाओं को पकड़ा। महिलाओं के पास से छात्रा का पर्स भी बरामद किया गया। टीआई ने बताया कि इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को मिली। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को पकड़कर थाने लाया गया। वहीं इस मामले में छात्रा की शिकायत पर कायमी की गई। इस वारदात में ममतापति राहुल निवासी दिल्ली हाल मुकाम राजेंद्र नगर, सुमन पति कार्तिक निवासी दिल्ली हाल मुकाम राजेंद्र नगर और सोनम पति गौरव निवासी महाराष्ट्र हाल मुकाम राजेंद्र नगर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मौके से छात्रा का पर्स भी बरामद किया गया। पर्स में 510 रुपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कान की बालियां रखी थी। पुलिस के मुताबिक ममता पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये महिलाएं गिरोह बनाकर 3, 4 या 5 के ग्रुप में चलती हैं। दूसरी महिलाओं के आसपास खड़े होकर भीड़ लगाकर भ्रम पैदा करती हैं और महिलाओं का सामान चोरी कर लेती हैं। इसमें वे कभी सोने के जेवरात, कभी पर्स या हैंडबैग से कीमती सामान निकाल लेती हैं। वैसे तो ये महिलाएं घरेलू काम करती हैं, लेकिन साथ ही ये इस तरह की वारदातों को भी अंजाम देती रहती हैं। यादिया का जो एक छोटा वॉलेट है वो, और उसकी सोने की दो बालियां और 560 रुपए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जो सामग्री थी वो उन महिलाओं से बरामद हुई। और पूर्व में भी इसी प्रकार की चोरी की वारदातों में ये लिप्त रही हैं। उनके ऊपर पूर्व से भी अपराध पंजीबद्ध है।